देते हैं, इंडिया ने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। जी हाँ, इंडिया का स्क्वाड आ चुका हुआ है जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप यूएस में वेस्टइंडीज के अंदर खेला जाएगा। काफी इंतहाई खतरनाक किस्म का स्क्वाड इंडिया का नजर आ रहा है, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जो बड़े खतरनाक है। यही तो डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर टीम सिलेक्ट होती है पीएसएल की बेस के ऊपर। रोहित शर्मा तो आपको पता ही है कि कैप्टन, ऑलरेडी इट वॉज अनाउंस दैट ही विल बी द कैप्टन ऑफ इंडिया। जयशाह साहब ने पहले अनाउंस किया हुआ था, काफी महीने हो गए कि कोई इफ्स एंड कोई बट नहीं, और रोहित शर्मा विल गो टू यूएसए एज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। और बड़ा खतरनाक किस्म का जो इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया है, इनके सारे वो नाम मौजूद है जिनको मैं चाह रहा था, और जो ऐसा लग रहा था कि यार ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये इंडिया के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होने चाहिए। ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये इंडिया इसमें जो कमाल करके दिखाएगा, क्योंकि सारे मैच विनर, सारे धमाकेदार किस्म के प्लेयर्स जो इंडिया की टीम में इस टाइम मौजूद है। स्क्वाड घंटा बजाएगा मेरा बेटा 9 जून को मेरे बॉब्जी का। पाकिस्तान टीम का स्क्वाड तो कोई नहीं आया, लेकिन वो रेडी होने वाला स्क्वाड होगा, मैं आपको इतना भी बता दूं। अरे बॉब्जी का घंटा बजेगा 9 जून को, सबका बजेगा, बॉब्जी का बजेगा 9 जून को, ये स्क्वाड बजेगा। बड़ी बातें की जा रही थी विराट कोहली के बारे में, जडेजा के बारे में, हार्दिक पांड्या के बारे में, और पाकिस्तान में तो बातें की जा रही थी कि भाई आमर के आने से अब विराट कोहली और रोहित शर्मा डर रहे होंगे, और मोहम्मद आमर ने कहा था अब तो कोई रीजन नहीं है, हम वर्ल्ड कप ना जीते, मतलब इस तरह की बड़ी बात की थी। जय हिंद दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों अभी अभी बीसीसीआई ने भारतीय T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड ऐलान कर दिया है। भारतीय स्क्वाड में 15 खतरनाक खिलाड़ी देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दोस्तों इस स्क्वाड में खतरनाक बल्लेबाज, बॉलर, ऑलराउंडर और स्पिनर मौजूद है। इन्हें डर है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में कहीं भारत फिर से पाकिस्तान को बुरी तरह हरा ना दे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है जानते हैं, और हम आपसे बातें करेंगे वीडियो के बाद में। ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं, इंडिया ने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। जी हाँ, इंडिया का स्क्वाड आ चुका हुआ है जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप यूएस में वेस्टइंडीज के अंदर खेला जाएगा। काफी सारी बहस चल रही थी, फाइनली इंडिया का वर्ल्ड कप का स्क्वाड एकदम से आ गया। तो इंडिया का वर्ल्ड कप का स्क्वाड, रोहित शर्मा कैप्टन है, यशस्वी जायसवाल इनके साथ ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली जिनके नाम के ऊपर बहस की जा रही थी कि विराट कोहली को टीम का हिस्सा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, विराट कोहली टीम का हिस्सा बन गए हैं। इसी के साथ साथ दुनिया का नंबर 1 T20 का खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव का भी नाम है, ऋषभ पंत का कमबैक हो रहा है। जी हां, ऋषभ पंत जो कितने अरसे से बाहर थे क्रिकेट के एक्सीडेंट के बाद से, फाइनली उन्होंने आईपीएल खेली और वो फर्स्ट चॉइस के तौर के ऊपर ऋषभ पंत अपनी टीम में जगह बना पाए। इसी के साथ साथ संजू सैमसन का भी नाम आया है, संजू सैमसन जो कि इंप्रेस कर रहे हैं, वो भी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बन चुके हुए। हार्दिक पांड्या का भी नाम आ गया है एज अ वाइस कैप्टन, हार्दिक पांड्या इस टीम के वाइस कैप्टन होंगे। शिवम दुबे को सिलेक्ट किया गया है, रविंद्र जडेजा भी टीम का पार्ट है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, युजविंदर चहल है। चार चार स्पिनर के साथ इंडिया गया, क्योंकि आपको पता है कि वेस्टइंडीज के अंदर स्पिनर्स को मदद मिलती होती है, तो स्पिनर के साथ इंडिया ने जाने का फैसला किया है, और ये एक अच्छा जैसा कहते हैं ना, इनका जैसा कहते हैं ना सोच है। इसी के साथ साथ फास्ट बॉलिंग के अंदर अर्शदीप सिंह को लेके गया है, लास्ट आर्म बॉलर है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज है। अब बात इतहाई खतरनाक किस्म का स्क्वाड इंडिया का नजर आ रहा है, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जो बड़े खतरनाक है। रोहित शर्मा तो आपको पता ही है कि कैप्टन, ऑलरेडी इट वॉज अनाउंस दैट ही विल बी द कैप्टन ऑफ इंडिया। जयशाह साहब ने पहले अनाउंस किया हुआ था, काफी महीने हो गए कि कोई इफ्स एंड कोई बट नहीं, और रोहित शर्मा विल गो टू यूएसए एज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। तो अब वो कप्तान है, बड़ा शोर शराबा सुना के जी विराट कोहली को लेके ये बहस चल रही है, वो बहस चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पता नहीं होगा है, नहीं होगा, स्लो खेलता है, तेज खेलता है, पता नहीं क्या क्या और क्या। तो आपसे बोला था कि जो शीट बनेगी तो कैप्टन के बाद दूसरा बंदा विराट कोहली होगा, और विराट कोहली इस दे कोई सवाल ही नहीं था कि भाई इसको कैसे हम छोड़ के जाते, मतलब इंडिया वाले छोड़ के जाते, ही इज द किंग कोहली। अजीब से कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन बड़े मैच में, बड़े टूर्नामेंट में यू नीड अ बिग प्लेयर। ठीक है, परफॉर्मेंस कभी कभार ऊपर नीचे हो जाती है, वो एक अलहदा डिबेट है। एनीवेज, तो रोहित शर्मा एंड विराट कोहली दे आर देयर। इंडिया का T20 वर्ल्ड कप 2024 का स्क्वाड जो अनाउंस कर दिया गया है, और बड़ा खतरनाक किस्म का जो इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया है, इनके सारे वो नाम मौजूद है जिनको मैं चाह रहा था, और जो ऐसा लग रहा था कि यार ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये इंडिया के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होने चाहिए। ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये इंडिया इसमें जो कमाल करके दिखाएगा, क्योंकि सारे मैच विनर, सारे धमाकेदार किस्म के प्लेयर्स जो इंडिया की टीम में इस टाइम मौजूद है। दोस्तों आपने इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा। बीसीसीआई ने भारतीय T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का 15 खतरनाक खिलाड़ी का ऐलान कर दिया है। तब से पाकिस्तानी जनता हो या पाकिस्तानी मीडिया हो, सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्यों? चाहे वो बॉलर हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे ऑलराउंडर हो, चाहे स्पिनर, एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी इस स्क्वाड में शामिल है। पाकिस्तानी मीडिया अभी से डरने लगे, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को ये डर है कहीं भारत फिर से पाकिस्तान को एक बार
हरा ना दे। यानी हम सबको मालूम है 9 जून को भारत एक बार फिर पाकिस्तान को बुरी तरह हराएगी। दोस्तों इस पर आपको क्या लगता है, बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में सही खिलाड़ी डाले या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।